स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी पर डिस्कस करेंगे जो इसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। सबसे पहला जो लीनियर इक्वेशन दिया होता है आपसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट। यदि किसी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट का अभी हमने पीछे डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में कि दो सिचुएशन होती है, एक तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन आर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो ये अच्छे से आप समझें, एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है, जब उस इक्वेशन के सोल्यूशंस हमें प्राप्त होते हैं। सोल्यूशंस यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है एंड इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। और कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट तब होता है जब उसके सोल्यूशंस प्राप्त नहीं होते हैं, यानी सोल्यूशन आर नॉट पॉसिबल। वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे ये जान पाएंगे, हमें कैसे ये पता चलेगा कि इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन यूनिक हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस हैं या नो सोल्यूशंस हैं। या फिर हमको ये भी जानना हो सकता है कि गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। इसके लिए देखिए यहाँ 3 कंडीशंस आपको दी जा रही है, इन्हें आप लर्न करेंगे और जानेंगे। तो देखिए, गिवन इक्वेशन आपका यह है जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। केस फर्स्ट, इफ a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2। ये कोफिशियंट्स के बीच में रिलेशन ही आपको देखना होता है। कोई भी जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका a1 b1 c1 a2 b2 c2 से कंपैरिजन करके, इक्वेशन से कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट केस है, इफ a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। अगर ये रिलेशन फुलफिल होता है, दैट मीन्स a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस केस का यूनिक सोल्यूशन का, वो हमने आपको अभी पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये लाइन कैसी देता है, इंटरसेक्टिंग लाइन देता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इस केस में गिवन इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है, इसके सोल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। इस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो लाइन कैसी मिलती है, कंसिस्टेंट लाइन। इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन की लाइन कैसी होती है,
कोइंसिडेंट लाइन मिलती है। इन दिस केस पेयर इज मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और इस केस को डिपेंडेंट भी बोला जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट के लिए भी ये कंसिस्टेंट तो ही है, कंसिस्टेंट के साथ साथ इसे हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। दैट मीन्स इफ़ ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट। नाउ इन केस थर्ड, इफ ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इस केस में नो सोल्यूशन यानी कोई भी सोल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज पैरेलल लाइन। अगर हम इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगी। एंड इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। स्टूडेंट सीन हियर इन थ्री केस, दैट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम सीधा सीधा ये जान सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, ये यूनिक सोल्यूशन होगा और इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इफ़ ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, इस केस में इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका पैरेलल लाइन होता है और इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा एंड डिपेंडेंट भी होगा। और थर्ड केस में इफ़ ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, देन द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए पैरेलल लाइन एंड गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। थैंक यू। हमें उम्मीद है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।